अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है सफायर बाय अहमद अल मगरबी। 100 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉटल किस टाइप की है। अहमद अल मगरबी परफ्यूम्स एक UAE बेस्ड पॉपुलर और बहुत हाइप में रहने वाला फ्रेगरेंस हाउस है और यह हाउस पिछले 20 सालों से परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेगरेंसेस पे काम कर रहे हैं और इस हाउस के फैमिली बिजनेस का यह दावा है कि क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सफायर एक नेचुरल जेमस्टोन है जिसे नीलम भी कहा जाता है। ओके, सो हियर इज द बॉटल। एक ट्रांसपेरेंट टू डार्क ब्लू ग्रेडियंट शेड की बॉटल है। बॉटल के सेंटर पर एक जेवलिन प्रिंटेड है। बॉटल के फ्रंट बॉटम पर सफायर और कंपनी का लोगो मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पर कहीं कुछ मेंशन नहीं है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर इसकी कंसंट्रेशन के साथ 72.59% वॉल्यूम मेंशन है, जिसका मतलब यह है कि 100 ml जूस में 72.59% अल्कोहल और बाकी के 27.41% परफ्यूम ऑयल और दूसरे परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। मगर आप में से काफी फ्रेंड्स का ये सवाल होता है या अक्सर फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि बाकी के 27.41% सिर्फ परफ्यूम ऑयल ही होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका, जो कि दिखने में मार्बल या एक नेचुरल जेमस्टोन की तरह लगता है और कैप को भी थोड़ा नेचुरल दिखने के लिए डी शेप बनाया गया है। कैप स्नग फिट है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर अहमद अल मगरबी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की जितनी भी फ्रेगरेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा वो तमाम आपको इस चैनल पर इसी अहमद अल मगरबी की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में रेड फ्रूट्स, वाटरमेलन, लेवेंडर और सिसिलियन ऑरेंज है। मिडिल नोट्स में लोटस, जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली और सी अकॉर्ड्स हैं। और बेस नोट्स में सैंडलवुड, एम्ब्रोक्सन और व्हाइट मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको फ्रेश और सिट्रसी लेमन के नोट्स के साथ बिटर बर्गमॉट, ऑरेंज और वाटरमेलन के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको फ्रेश और सॉल्टी ओशनिक नोट्स के साथ ऑरेंज, स्पाइसी नोट्स, लेवेंडर, हल्के से व्हाइट फ्लोरल नोट्स, ग्रीन नोट्स और वुडी नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राडाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राडाउन आने तक आपको हल्के से लेवेंडर के नोट्स के साथ मस्की और स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, ओशियनिक, ब्लू, फ्लोरल, मस्की और स्ट्रॉन्ग वुडी फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस का DNA या इससे मिलती जुलती खुशबू इस हाउस ने ऑलरेडी एक और नाम से लॉन्च कर रखी है जो कि पिछले दिनों काफी ज्यादा हाइप और डिमांड में भी रही और इस फ्रेगरेंस का रिव्यू भी ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है। मगर क्या ये एक कंट्रोवर्शियल फ्रेगरेंस है या उस फ्रेगरेंस से वाकई सिमिलर है भी या नहीं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल ये भी एक बहुत अच्छी समर फ्रेगरेंस है जो कि शायद ज्यादा अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान में अब तक अंडररेटेड रही। एज की बात कर लेते हैं, ये एक फ्रेश और मैस्कुलिन समर फ्रेगरेंस है। सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं, ये एक ऑल सीजन फ्रेगरेंस है मगर आप इसे समर सीजन्स में ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक नॉर्मल प्रोजेक्शन है और शुरुआत की 1.5 से 2 घंटा एक आमलेंथ के बराबर इसका सियाज है और 5 से 6 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं, आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 6,200 से 6,500 के बीच है। और अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं सिंबल ऑफ फ्रेशनेस नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8 out of 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 out of 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 out of 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8 out of 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 out of 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेगरेंस किससे सिमिलर या किससे इंस्पायर्ड है। सो ये फ्रेगरेंस भी फियर्स बाय एबरक्रॉम्बी एंड फिच से इंस्पायर्ड है और अहमद अल मगरबी ने ऑलरेडी सेम DNA की एक और फ्रेगरेंस लॉन्च कर रखी है जिसका नाम काफ बाय अहमद अल मगरबी है। और अब आपके जहन में ये सब सवाल आ रहे होंगे कि ये काफ से कितनी हद तक सिमिलर है, परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बेस्ट है, अगर काफ बाय की हो तो क्या ये फ्रेगरेंस भी लेनी चाहिए और इन दोनों फ्रेगरेंसेज में सबसे बेस्ट कौन सी है। सो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि ये फ्रेगरेंस काफ से कुछ ही हद तक डिफरेंट है और इन दोनों फ्रेगरेंसेज की ओपनिंग में 19-20 का ही डिफरेंस है। मगर काफ अपनी ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक एक फ्रेश, ओशियनिक और हल्की फुल्की सोपी और मस्की है, जबकि ये फ्रेगरेंस अपने मिड फेज से लेकर ड्राई डाउन तक फ्रेश ओशियनिक होने के साथ ज्यादा वुडी साइड की तरफ रहती है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इसकी प्रोजेक्शन काफ से थोड़ी सी ज्यादा है मगर लास्टिंग वाइज काफ थोड़ी सी बेहतर है। आपके तीसरे सवाल का जवाब यह है कि अगर आपके पास काफ ऑलरेडी मौजूद है तो इन दोनों फ्रेगरेंसेज में कोई खास या मेजर डिफरेंसेस नहीं है, ये फ्रेगरेंस अपने मिड फेस से ड्राई डाउन तक वुडी साइड की तरफ रहती है और वो एक फ्रेश और ब्लू साइड की तरफ। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप ज्यादा फ्रेश नोट्स को प्रेफरेंस देते हैं या वुडी नोट्स को।
आपके चौथे और आखिरी सवाल का जवाब यह है कि क्योंकि ये दोनों फ्रेग्रेंसेस ऑलमोस्ट सेम हैं, तो मेरे लिए बताना काफी मुश्किल है कि इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, प्राइस या अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसे प्रेफर करेंगे। इस फ्रेग्रेंस को इजिली आप अपना सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हैं क्योंकि एक बेसिक और नॉन कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है जो कि हर छोटे बड़े या खास आवाम को पसंद आती है, और साथ ही अगर इसकी प्राइस को देखा जाए तो ये भी कम बजट में काफी अच्छा ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।